दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं योगेश, मैं आज आपके लाया हूँ हाउ टू ओपन न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर द SBI इंटरनेट बैंकिंग। जो कि इंटरनेट बैंकिंग होता है SBI बैंक का, उसके लिए फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग आपको आपके प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है SBI एनीवेयर। तो आपको कोई बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, किधर जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अकाउंट नंबर, CIF नंबर, आपका नाम, IFSC कोड, उसके बाद में मोबाइल नंबर रजिस्टर साथ में होना चाहिए, उसके बाद में ATM कार्ड, बाकी कोई जानकारी आपको लगने वाली नहीं। तो ये देखिए SBI एनीवेयर का ऐप है, ये देखिए SBI एनीवेयर पर्सनल ऐप है, इसे आप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। अभी मैंने इंस्टॉल किया है, अभी मैं ओपन करता हूँ। फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म शो होगा। तो आपको क्या क्या साथ में रखना है, अकाउंट नंबर, CIF नंबर, IFSC कोड। जो CIF नंबर होता है आपके पासबुक पर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जाना है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में। तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, प्रोसीड करना है सीधे सीधे। तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या डिटेल्स है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद में यहाँ पर CIF नंबर जो कि पासबुक पर लिखा होता है, उसके बाद में आपको ब्रांच कोड डालना है, ब्रांच कोड जो कि पासबुक पर लिखा होता है। ब्रांच कोड 10 डिजिट का होता है, बट आपको यहाँ पर लास्ट के 5 डिजिट डालना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री चॉइस करना है, कौन सी कंट्री से हो आप। उसके बाद में आपको डालना है यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद में आपको डालना है यहाँ पर फुल ट्रांजेक्शन राइट कर दीजिए, क्योंकि आप फुल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपने फुल ट्रांजेक्शन राइट नहीं किया है तो आपको बस यहाँ पर दिखेगा अकाउंट, दिखेगा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। उसके बाद ये कैप्चर यहाँ पर डालना है, उसके बाद सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद आपको एक OTP आने वाला है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको वापस डालना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द ATM थ्रू। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ATM थ्रू प्रोसेस आता है उसे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर डालना है आपकी सारी कार्ड की डिटेल, कार्ड नंबर, ATM कार्ड नंबर, वैलिडिटी, उसके बाद में ATM का पिन डालना है। उसके बाद में ATM पिन डाला, उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपको एक यूज़र ID शो करेगा, वहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड आपको डालना है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद नंबर, सारा कॉम्बिनेशन में पासवर्ड डालना है 2 बार। उसके बाद यूज़र आईडी आएगा और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए जाते हो यहाँ पर, ये यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट होने के बाद, तो यहाँ पर जाना है आपको फर्स्ट टाइम करने के बाद। यहाँ पर एग्जिस्टिंग INB यूज़र में यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डाला। उसके बाद में आपके लिए ये नया यूज़र आईडी बनाने के लिए पूछेगा, आप एक नया यूज़र आईडी बना लीजिए, नया पासवर्ड डालिए, उसके बाद आपका इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है प्रोफाइल सेक्शन में, प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद फिर से एक प्रोफाइल पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, सेम उसी तरीके से जैसा कि हमने लॉगिन के लिए किया। तो उस तरीके से आप प्रोफाइल पासवर्ड सेट करिए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आप अगर ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आप क्विकली कर नहीं पाओगे, क्योंकि 24 आवर के बाद ट्रांजेक्शन के लिए आपका अकाउंट रेडी होगा, तब तक के लिए आपको बस शो करेगा, ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हैं, अगर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ इसके बारे में, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, मैं कर दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।